गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एज वी हैव डन चैप्टर मिस्ट्री ऑफ रूरल लाइवलीहुड्स, दिस वीडियो इज़ फॉर द स्टूडेंट्स हु हैवेंट अटेंड द क्लासेस और हु डिडंट अंडरस्टैंड, एंड दिस विल बी एन समरी वीडियो. फाइन, सो यू विल गेट टू नो दैट व्हाट वाज इन दिस चैप्टर. सो इन दिस चैप्टर वी गोना रीड अबाउट व्हाट people, those who are living in rural areas, how they earn money, how they earn their livelihoods, कि वो क्या काम करते हैं, which kind of work they do, right? So here scene starts from the kitchen where there are empty utensils and the person who is a chef is going to the market to buy the things. This person is going to market to buy the things, and Aphidek, Drildek, all the four aliens are following him. Now what they see when they went to the market, they see there are so many shops. Some shops are selling vegetables, some are selling bakeries, dairy shops are there and meat shops are there. Aphidek asked, there are different shops selling different things. From where they get do all these food items? Ki ye food items jitni bhi ye sari cheeze bech rahe hain, ye kahan se late hain? Do they grow them from them here? क्या shopkeepers इन सभी चीज़ों को grow करते हैं? Robonam, no. The people in the market only sell these food items. Robonam said, जो shopkeeper हैं वो सिर्फ बेचने का काम करते हैं, grow इनको कोई और करता है. Then we see different livelihoods in market. In this topic we have read about three types of occupation. Occupation क्या होता है? काम. हमने यहाँ पे तीन तरह के ऑक्यूपेशन को पढ़ा है. फर्स्ट इज़ योर प्राइमरी ऑक्यूपेशन. प्राइमरी ऑक्यूपेशन इज़ रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ रॉ मटेरियल. अगर आप कोई भी रॉ मटेरियल प्रोड्यूस कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, बना रहे हैं, दैट इज़ प्राइमरी ऑक्यूपेशन. प्राइमरी ऑक्यूपेशन इंक्लूड्स प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स, मीट्स, फिश एंड मिल्क. Also production of cotton, अगर आप cotton grow कर रहे हो, wheat grow कर रहे हो, आप meat निकाल रहे हो, आप fishes को पकड़ के ला रहे हो, आप milk निकाल रहे हो, आपके पास dairy farm है, that all comes under primary occupation. Then second here comes as secondary occupation. Secondary occupation, in this people are engaged in processing the primary raw material. अभी प्राइमरी ऑक्यूपेशन में हमने क्या पढ़ा कि रॉ मटेरियल को क्या है, ग्रो किया जा रहा है, राइट. सेकेंडरी ऑक्यूपेशन में उसी रॉ मटेरियल को जब फैक्ट्रीज में जाके भेज के उसको किसी और चीज़ में कन्वर्ट कर दिया जाता है, दैट काइंड ऑफ ऑक्यूपेशन कम्स अंडर सेकेंडरी ऑक्यूपेशन. फॉर एग्जाम्पल, देर इज़ अ कॉटन, इट इज़ ग्रोन बाय अ फार्मर, राइट. कॉटन इज़ ग्रोन बाय अ फार्मर एंड इट इज़ अ प्राइमरी ऑक्यूपेशन. Then that cotton will be sent to the factory. वो cotton factory में जाएगी, it will convert, get converted into cloth. वो cotton से क्या है, उस चीज़ का कपड़ा बनाएंगे. अभी वहाँ पर जो कपड़ा बन रहा है, चाहे वो मशीन के थ्रू बन रहा है, चाहे उसको कोई लोग बना रहे हैं फैक्ट्री में, उनकी ऑक्यूपेशन किसके अंडर आएगी, सेकेंडरी ऑक्यूपेशन. सेकेंड एग्जाम्पल इफ आई गिव यू इज, सपोज आपके पास बफेलोज हैं, आप मिल्क निकाल के बेचते हो, ठीक है. आपने वो मिल्क को, यू हैव सेंट दैट मिल्क टू फैक्ट्री एंड फ्रॉम देयर दे मेड चीज़, पनीर, घी, बटर फ्रॉम दैट मिल्क. तो वो सारा जो प्रोसेसिंग हुई है, दैट कम्स अंडर सेकेंडरी ऑक्यूपेशन. थर्ड टाइप ऑफ ऑक्यूपेशन वी हैव रेड वॉज टर्शियरी ऑक्यूपेशन. इन टर्शियरी ऑक्यूपेशंस सर्विसेज आर बीइंग प्रोवाइडेड टू द पीपल. इसमें क्या है, लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है. सर्विस कैसे, आप टेलर के पास जा रहे हो, व्हाट ही इज़ डूइंग, वो आपको आपके कपड़े का सूट सिल के दे रहा है, वो आपको सर्विस दे रहा है, किस चीज़ की, सिलाई की. तो दैट विल कम अंडर टर्शियरी ऑक्यूपेशन. सेम एज आप कहीं, आप स्कूल में आ रहे हो, स्कूल से आपको एजुकेशन मिल रही है, उस चीज़ के लिए आप पे कर रहे हो, that also comes under tertiary occupation. और अगर tertiary occupation की बात करूँ, banking हो गया, transportation system हो गया, that also comes under tertiary occupation. Now we will learn about livelihood of villages. अभी हम पढ़ेंगे कि जो villages में, गाँव में रहने वाले लोग हैं, वो क्या काम करते हैं, कैसे पैसा कमाते हैं. Most of the people living in village are included in, engaged in primary occupation.
विलेज के लोग ज़्यादातर प्राइमरी ऑक्यूपेशन में ही इन्वॉल्व होते हैं. प्राइमरी में हमने क्या देखा था, रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करना. फर्स्ट इज़ देयर एग्रीकल्चर, कोई किस चीज़ की एग्रीकल्चर करता है, कोई किस चीज़ की. जो समुंदर के आसपास के एरियाज़ होते हैं, वहाँ के गांव हैं, वहाँ के लोग कोकोनट ग्रूव्स, टी प्लांटेशन, ये सब करते हैं, राइट. देन देयर इज़ अ पैडी कल्टिवेशन एज वेल, यू कैन सी इन पिक्चर्स. स्टेप फार्मिंग, जो पहाड़ों पे हैं, गांव वगैरह बने हुए, वहाँ पे स्टेप फार्मिंग होती है. स्टेप फार्मिंग कैसे, स्टेयर्स की तरह वो बना लेते हैं और वहाँ पे फार्मिंग करते हैं. देन सेकेंड मेन प्राइमरी ऑक्यूपेशन इज फिशिंग. जो गांव समुंदर के आसपास लगते हैं, वेन कोस्टल एरियाज पे जो लोग रहते हैं, दे मोस्टली डू फिशिंग. फिशिंग में क्या है, वो सी में जाते हैं बोट के थ्रू या सी के किनारों से वो फिशेस पकड़ के लाते हैं. देन दे सेल दैट फिशेस टू द फिश मार्केट, फाइन. देन दे गेट अर्न मनी फ्रॉम देयर, ठीक है. अभी फिशिंग वालों के लिए थोड़ा मुश्किल भी है, क्योंकि इनकी जो चीज़ें हैं वो क्या हैं, महंगी आती हैं. जैसे बोट हो गया, फिशिंग नेट हो गया, राइट. एंड फिशिंग का मेन क्या है, फिशिंग इज़ डेंजरस, क्योंकि समुंदर में अगर कोई तूफान वगैरह आ जाए या कुछ भी हो, देन देयर विल ऑल्सो बी आ प्रॉब्लम. फोर्थ टाइप ऑफ वर्क है एनिमल हस्बेंड्री. कई आपने देखा होगा गाँव में लोगों के घर में बफेलोज, काउज, हैन, ये सारी चीज़ें होती हैं. तो व्हाट दे डू, दे फेच थिंग्स फ्रॉम देम. अगर जम्मू कश्मीर की बात करें, वहाँ के लोगों के पास मोस्टली क्या रहती हैं, शीप रहती हैं. शीप से वो वूल इकट्ठा करते हैं, रॉ मटेरियल, फिर वो उसको बेचते हैं, ठीक है, सेम एज मिल्क. फोर्थ है जो फॉरेस्ट के आसपास लोग रहते हैं, दे कलेक्ट गुड्स फ्रॉम द फॉरेस्ट, राइट. तो वो भी आगे सेल करते हैं. नाउ हेयर कम्स सेकेंडरी ऑक्यूपेशन. सेकेंडरी ऑक्यूपेशन में आई ऑलरेडी टोल्ड यू, इट कम्स फैक्ट्रीज एंड मिल्स. जो फैक्ट्रीज और मिल्स में काम होता है, बड़े बड़े डेयरी फार्म बने होते हैं, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बफेलोज हैं, उनसे लोग दूध निकाल के वही लोग क्या करते हैं, उसको घी में कन्वर्ट कर दिया. देन दे मेक स्वीट्स ऑफ दैट थिंग्स, खोए की स्वीट्स बना के वो बेचते हैं. देन थर्ड इज़ हेयर कॉटेज इंडस्ट्रीज. कॉटेज इंडस्ट्रीज क्या हैं, जब एक घर में 5 persons रह रहे हों और 5 persons कुछ ना कुछ काम करते हों, चाहे वो कपड़ा बना रहे हैं, चाहे वो पोट्रीज बना रहे हैं, चाहे वो कुछ भी काम कर रहे हैं, हैंडीक्राफ्ट चीज़ें बना बना के बेच रहे हैं. यू कैन सी हेयर इट इज़ रिटन राजस्थान विलेजेस किस चीज़ के लिए फेमस है, डॉल्स बनाने के लिए, बैंगल्स बनाने के लिए, पोट्रीज. ऐसे सम प्लेसेज आर फेमस फॉर मेकिंग दीज थिंग्स. तो दैट कम्स अंडर कॉटेज इंडस्ट्री. कॉटेज इंडस्ट्री जिसमें बहुत कम लोग हैं और वो मिलके हैंडमेड काम करते हैं, फाइन. थर्ड कम्स हेयर इज टर्शरी ऑक्यूपेशन. टर्शरी ऑक्यूपेशन को वी कैन कॉल सर्विस ऑक्यूपेशन एज वेल. सर्विस में आपको ऑलरेडी आई हैव टोल्ड कि देयर आर टीचर्स, डॉक्टर्स, टेलर्स, शॉपकीपर्स, कम्स अंडर टर्शरी सेक्टर. ट्रांसपोर्ट सर्विस ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन विलेजेस. चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए वी नीड ट्रांसपोर्टेशन, सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टर्शरी ऑक्यूपेशन. नाउ वी विल रीड अबाउट प्रॉब्लम्स ऑफ रूरल लाइवलीहुड्स. जो गांव के लोग हैं उनको प्रॉब्लम्स किस किस तरह की आती है. फर्स्ट प्रॉब्लम, लो विलेजेस. एक तो जिन लोगों के पास लैंड नहीं होता, वो दूसरों लोगों के लैंड के ऊपर काम करते हैं, उनको बहुत देर ज़्यादा तक काम करना पड़ता है, लेकिन उनको उस चीज़ के लिए वेजेस जो हैं, तनख्वाह जो है या पैसे, वो बहुत कम मिलते हैं, ठीक है. सेकंड है डेब्ट साइकिल. अभी कोई फार्मर है जिसने कोई क्रॉप ग्रो करनी है, क्रॉप ग्रो करने के लिए उसको सीड्स भी चाहिए, फर्टिलाइजर्स भी चाहिए, पेस्टिसाइड्स भी चाहिए. इस चीज़ के लिए वो क्या है, वो मनी लेंडर्स से क्या है, पैसे उधार ले लेते हैं. लेकिन बाद में पता चलता है क्रॉप फेल हो गई, क्रॉप ग्रो ही नहीं हो पाई, जिसकी वजह से फार्मर्स अपना जो लोन है वो रीपे नहीं कर पाता, वो मनी लेंडर को उसके पैसे वापस नहीं कर पाता. इसी तरीके से वो क्या है, कर्जे में डूब जाता है. थर्ड प्रॉब्लम इज़ साइज ऑफ लैंड. बहुत सारे फार्मर्स ऐसे हैं जिनके पास लैंड की कमी है, बहुत कम लैंड उनके पास है, जिसकी वजह से वो इतनी प्रोडक्शन नहीं कर पाते. जिसके पास ज़्यादा बड़ा लैंड होगा वो ज़्यादा चीज़ें ग्रो करेंगे, जिसके पास कम होगा वो कम. तो उनको क्या है, उनके पास फिर कम पैसे होते हैं, वो अच्छे से अपनी लाइफ को नहीं स्पेंड कर पाते. सो दिस वॉज द लास्ट टॉपिक ऑफ योर चैप्टर. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस समरी ऑफ दिस चैप्टर, कि इस चैप्टर में क्या है.
मेक श्योर यू लर्न इट बाई योर सेल्फ एज वेल एंड डू इट्स क्वेश्चन आंसर्स फ्रॉम योलो ऐप. थैंक यू सो मच.